और खास तौर पर जब झांगी औरतें लड़ती हैं ना तब तब पूरी गली इकट्ठी हो जाती है, तब उनके जो सही जो शब्द है ना वो तब पता चलता तब निकलते हैं कि झांगी की ताकत कितनी है। तो मुझे माँ अक्सर और पिताजी भी बताते थे कि जब मैं पैदा हुआ तो वो मेरे लिए जिसको कहते हैं पंघूड़ा, हाँ झूला, जी जी जी, तो वो पंघूड़ा लाए थे वो चांदी का था। ओ वाह, आप पहले बच्चे थे? मैं पहला बच्चा, ठीक है। तो उनको बड़ा अफसोस था कि जब बंटवारा हुआ तो वो वहीं रह गया, बाकी चीज़ों का उनको इतना अफसोस नहीं था, लेकिन ये बड़ा अफसोस था कि हमारा पंघूड़ा वहाँ रह गया बच्चे। और ये अफसोस ताउम्र रहा? हाँ, ये ताउम्र रहा उनको, क्योंकि जब आए थे तो सिर्फ वो जो कपड़े पहने हुए थे वही लाए थे। सच में काम 8वीं क्लास से शुरू कर दिया था। कहाँ, क्या? 8वीं क्लास से मैं डबल रोटी बेचता था। ओके। सुबह सुबह डबल रोटी बेचता था, अंडे बेचता था, मक्खन बेचता था। दिल्ली की सड़कों पे? दिल्ली की सड़कों पे, साइकिल पे। हाँ, करमपुरा में जहाँ रहते थे। फिर तो हमारी शादी होगी। अच्छा, मोहब्बत होगी। अच्छा, उसी कॉलेज में ही हुई? नहीं। अच्छा, ये उसी कॉलेज में नहीं, ये बैठी है ना? जी जी जी। नमस्कार जी, ये वीडियो जुड़ा हुआ तो पार्टीशन से ही है लेकिन हिंदी में होगा। जिनके साथ बैठा हूँ, जो लोग जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो इनके बारे में खुद बता देंगे बाद में वीडियो देखने के बाद, जब आप गूगल सर्च करेंगे। तो सैगल साहब नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। मैंने सैगल साहब इसीलिए कहा है कि पूरा नाम आप खुद बताएं तो ज़्यादा अच्छा। मेरा नाम प्रताप सैगल है। और आप पेशेवर? कलमकार हैं? नहीं, कलमकार तो अब हूँ, बाद में बने, लेकिन उसके साथ साथ मैं तो शिक्षक भी रहा। शिक्षक भी रहे, प्रोफेसर रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, और उसके साथ लिखता रहा, लेकिन अब तो बस सिवाय लिखने के और कोई काम नहीं। इसीलिए कहा कि पेशेवर आप एक कलमकार हैं। सैगल हैं तो जाहिर सी बात है जंग साइड से या शोरकोट साइड से होंगे, ऐसा मुझे लगा था। हाँ, मेरे पिता जो है वो शोरकोट के थे और मेरी माँ जो है वो जंग की थी। तो इन दोनों एरियाज का ज़बानी असर आप पर कितना पड़ा? ज़बानी असर तो ये कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो माँ के साथ तो वही बोलता था जो अच्छा, वो बोलती थी, ठीक है, झांगी ही बोलती थी घर में। जी जी जी। तो वही सीखा मैंने, वही सीखा, लेकिन धीरे धीरे जब वो चली गई, अच्छा बल्कि वो भी बदलती गई। अच्छा, जब वो इधर आई हाँ। तो यहाँ जो जिस तरह की भाषा थी वो थोड़ी मिक्स सी थी, यहाँ दिल्ली में जो थोड़ी उर्दू, थोड़ी हिंदी हाँ। थोड़ी पंजाबी, तो दिल्ली की पंजाबी की जबान जो अपनी ही डेवलप हो रही थी, ठीक है, वो भी उसमें रम गई, हाँ रंगती चली गई। लेकिन झांगी वो उनकी शब्दावली तो थी, बहुत तगड़ी शब्दावली थी, और ख़ास तौर पर जब झांगी औरतें लड़ती हैं ना तब तब पूरी गली इकट्ठी हो जाती है, तब उनके जो सही जो शब्द है ना वो तब पता चलता, तब निकलते हैं कि झांगी की ताकत कितनी है। आपने इस बात को कह के मुझे याद दिला दिया, एक तनेजा साहब का मैंने इंटरव्यू किया था और मैंने गलती से ये कह दिया कि झांगी ना लड़ दे बड़े हैं। बड़े लड़ दे। तो वो गुस्सा हो गए मेरी बात पे। तो मैंने कहा कि आप गुस्सा ना हो, आप गुस्सा हो भी लें लेकिन ये बात मान लें आप कि झांगी लड़ाके होते हैं। आदमी वैसे नहीं, आदमी ज़्यादा नहीं हाँ। लेकिन औरतें तो खूब, और मेरी बच्चों के लिए, और मेरी इस बात पर अमेरिका से एक कॉल आ जाता है एक लेडी का, इंडियन है, तो मुझे कहती है कि केशव मैंने उस वीडियो में ना वो तुम्हारी बात सुनी, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा मैडम आप बाहर बैठे हो ना इसलिए आपको पता नहीं, यहाँ पे आप आके जाएंगे होंगी मोहल्ले देखेंगे तो। एनीवे, क्लियर हो गया कि माताजी झंग से थी तो पिताजी शोरकोट से, तो क्या बताते थे पिताजी की क्या कारो, पहले पिताजी से पहले दादाजी का नाम बताइए। दादाजी मेरे, उनका नाम तो गोधाराम था, लेकिन वो क्या करते थे ये मुझे भी पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि उनको एक कोई उपाधि मिली थी रायजादा की, तो अब वो बाद में हमारे जो पिताजी हैं वो भी रायजादा लिखते थे, उनके जो बाकी बच्चे थे वो भी रायजादा लिखते थे, ठीक है, लेकिन वो आज़ादी के बाद मैंने तो लिखा। तो इस उपाधि का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ, क्योंकि हमने दीवान सुने हैं, मेहता सुने हैं, मलिक सुने हैं, तो ये राय बहादुर, शायद राय बहादुर के राय ज्यादा आगे, ठीक है ठीक है ठीक है, चला होगा कुछ, ठीक है ठीक है। एग्जैक्टली मुझे भी ज्यादा उसका नहीं, लेकिन मुझे वो कुछ बाद में जमा नहीं, इसलिए आपने नहीं इस्तेमाल किया। मैंने इस्तेमाल नहीं किया, शुरू में किया, बचपन में किया, अच्छा, लेकिन जैसे जैसे होश संभाला मुझे लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, मैंने छोड़ दिया। पिताजी वहाँ पे जाहिर सी बात है नौजवान थे और आप वहाँ पे पैदा हो चुके थे, तो वो उनका कारोबार क्या था? वो कारोबार पेंटर थे।
पेंटर थे, आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट थे। अच्छा, तो उस दौर में पेंटिंग पेशे मतलब कैसे आती होगी, क्या करते होंगे वो लोग? दौर अभी साइकिलों का दौर था, बहुत कम थी वो भी। हाँ, बहुत कम थी। और दूसरा लेकिन बोर्ड तो तब भी बनते थे, दुकानें तो तब भी। हाँ, बिल्कुल। तो दुकानें खुलती थी तो उर्दू जानते थे। अच्छा। और उर्दू में बहुत खूबसूरत लिखते थे, तो वहाँ तो ज्यादा उर्दू का था चलन। पर जब इधर आए तो इधर तो उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी सारे, और पहले सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी होती थी, फिर इधर हिंदी ज्यादा, हिंदी का जोर ज्यादा हुआ, तो हिंदी और अंग्रेजी चलने लगी। तो आते आने के बाद उन्होंने इसी पेशे को इख्तियार किया। अच्छा, इसी पेशे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये बात सुन के, अगर वो साथ में होते तो और, क्योंकि मैं ना पाकिस्तान से आए हुए दो ऐसे लोगों का इंटरव्यू कर चुका हूँ जो पेंटर यहाँ आके रहे, और नेहरू साहब ने उनकी पेंटिंग्स को जगह जगह इस्तेमाल किया। नहीं खैर, इतना इतने बड़े पेंटर तो वो नहीं हो सके। हाँ। लेकिन अपने घर के लिए वो करते थे, मतलब रोजी रोटी उनकी उससे बड़ी अच्छी चलती। वाह। तो क्या बताते थे कि कहाँ रहते थे, कैसा हमारा घर था, या इलाका या मोहल्ला कैसा था कुछ? घर तो कहते हैं, बताते हैं बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे माँ अक्सर और पिताजी भी बताते थे कि जब मैं पैदा हुआ तो वो मेरे लिए जिसको कहते हैं पंघूड़ा, हाँ, झूला, जी जी जी, तो वो पंघूड़ा लाए थे, वो चांदी का था। ओ वाह, आप पहले बच्चे थे? मैं पहला बच्चा। ठीक है। तो उनको बड़ा अफसोस था कि जब बंटवारा हुआ तो वो वहीं रह गया। बाकी चीजों का उनको इतना अफसोस नहीं था, लेकिन ये बड़ा अफसोस था कि हमारा पंगोड़ा वहाँ रह गया बच्चे। और ये अफसोस ताउम्र रहा। हाँ, और ये ताउम्र रहा उनको, क्योंकि जब आए थे तो सिर्फ वो जो कपड़े पहने हुए थे वही लाए थे। सच में कमाल है, मतलब उनका पहला बच्चा होता है और वो अपनी सारी कमाई में से किसी भी तरह जोड़ जुगाड़ करके बच्चे के लिए, खेलने के लिए या बैठने के लिए, एक चांदी का। कमाल है। तो वो आप बात कर रहे हैं अपने दाद के परिवार की। हाँ। तो शोरकोट की बात कर रहे हैं आप। हाँ। वहाँ रहते थे, कभी नहीं बताया कौन सा मोहल्ला था, हमारे आगे पीछे कौन थे, क्या था? नहीं, शोरकोट कोई कोठी बताते थे, मुझे अब वो भी बिल्कुल भूल सा गया है, लेकिन कुछ था उनका कोठी वोठी थी कोई, जिसमें सारे भाई और वो दादा और ये सब लोग, तो वो रायजादा थे, तो जाहिर सी बात है अच्छी कोठी मिली हुई होगी। ठीक है ठीक है ठीक है। खूब अच्छे समृद्ध लोग थे। आने के सफर के बारे में कभी बताया? बहुत मुश्किल से पहुंचे, क्योंकि लाशें इधर भी गिर रही थी, लाशें उधर भी गिर रही थी, तो किस तरह से पहुंच गए, निकल के अटारी बॉर्डर को क्रॉस किया और फिर वहां से गुरुद्वारे में शरण ली, गुरुद्वारे में जो भी मिलता था वो लिया, फिर कैंप वैम्प, फिर जलंधर में आ गए, जलंधर कुछ कैंप थे, फिर वहाँ कुछ दिन रहे, फिर बाकी और भाई भी थे, लेकिन कोई भाई किसी को जानता नहीं था, एक एक करके भाई आने लगे, एक एक करके मिलने लगे, लेकिन ये है कि कोई भाई हमारा जो मेरे चाचा थे या ताऊ थे, कोई ऐसा कत्ल नहीं हुआ, मतलब हमारे परिवार में से किसी का जान का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ माल का नुकसान हुआ। माल का हुआ, लेकिन पहुंच गए सब इधर, और धीरे धीरे मिले भी, कुछ भाई जलंधर में रह गए, जो मेरे चाचा ताऊ थे वो जलंधर में रह गए, और बाकी जो चार लोग हैं, ये चार भाई हमारे पिता के, वो यहाँ पर आ गए, दिल्ली आ गए, और तीन जलंधर में रह। इन चार भाइयों के नाम? चार भाई जैसे मेरे पिताजी जगन्नाथ थे, और उनके जो एक मेरे उनसे जो बड़े भाई थे उनको सत्यनारायण थे, और उनके जो छोटे थे वो कमल नयन और हृदय नारायण। अच्छा, तो जान का नुकसान नहीं हुआ, माल का नुकसान जाहिर सी बात है सबका हुआ, क्या ऐसा था जो लेके आए थे और लाना बड़ा ज़रूरी था, और जो आपने देखा? सिर्फ अपने बच्चा लेके आए थे। अच्छा, नहीं कुछ 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 होता है ना कि ये वाली चीज़ बड़ी कीमती है और इससे मेरी रोजी रोटी चलेगी। कुछ भी नहीं लाए, वो ओनर लेके आए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि मतलब, खैर ये तो खैर मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। वो बताते थे कि वो अपनी दुकान पर ही थे, तो जब खबर आई कि वहाँ मोहल्ले में आग लगा दी गई है, मकान जल रहे हैं, तो दुकान को वैसे ही छोड़ के भागे, और माँ को और मुझे उठा के, तो जैसे ही थे बस वहाँ से निकल लिए। आप गोद में थे? मैं गोद में था, ये चलता था हाथ पकड़ के। ढाई तीन साल के थे? उंगली पकड़ के। मैं कितना? हाँ, मैंने 45 का जन्म 45 का जन्म है। ठीक है, हाँ, ढाई साल। हाँ, पूरे रहे हैं 45। कौन सा महीना आता है आपका? मेरा मई।
हाँ तो बस फिर ठीक है, तो वो 2.25 साल के रहे होंगे आप, क्योंकि वो अगस्त के आसपास का टाइम था। सबसे पहले आप जलंधर पहुंचे थे ना? अमृतसर, अटारी से क्रॉस किया। अच्छा, अटारी से क्रॉस किया, हाँ। अमृतसर आए, ठीक है, अमृतसर से फिर जलंधर आए, ठीक है, जलंधर से फिर हम लोग गाजियाबाद गए। तो ये ट्रैवल कंटिन्यू चल रहा था या स्टे बीच में? नहीं, स्टे, अच्छा, कैंप से, जैसे जलंधर कैंप में रहे, फिर हम लोग गाजियाबाद चले गए, क्योंकि होना तो था कि कहीं ना कहीं, तो फिर पता चला कि रोहतक में जो है जितने भी झांगी परिवार थे वो रोहतक में एक पहाड़ा मल्ला नाम की जगह अभी भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो पहाड़ा मल्ला में लगभग सारे झांगी वहाँ एक काफिला जैसे। तो ये इसका भुलेखा कैसे लग गया, गाजियाबाद कैसे पहुँच गए? वो एक प्रोसेस था, पता नहीं कौन कहाँ चले जा रहा है, कहाँ चले जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं, को कहाँ जाके कहाँ सेटल होगा, तो कहीं कहीं जगह मिल जाए, कहीं कुछ काम शुरू हो जाए। तो रोहतक एक ऐसी मुफीद जगह लगी, क्योंकि वहाँ अपना अपने एरिया के लोग सारे थे, वो कबीला था वहाँ। धीरे धीरे तो फिर तो मैंने देखा ना, वहाँ मोहल्ले की औरतें बाहर वही गली में बैठने लगी, चरखे आ गए, चरखा काटने लगी, और चरखा काटते हुए जो भी बातें होती थी हम छुप छुप के सुनने की कोशिश करते थे, तो भगा देती थी डांट के। कितना वक्त रहे आप रोहतक में? रोहतक में हम रहे 1955 तक। अच्छा, यानी कि 7 साल तो आप रहे कम से कम, 7-8 साल? नहीं, 8 साल रहे जी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा देर नहीं रहे, जैसे 2-4 महीने समझ लीजिए, जलंधर में रहे, 1-8 महीना गाजियाबाद में रहे, फिर रोहतक ही रहे। तो ये 8 साल में ये सब आपने बचपन देखा है, जो आप अभी बता रहे हैं कि चरखा काटना, और लेकिन उससे पहले की यादें बहुत नहीं। अब वो चरखे काटने वाली औरतें तो नहीं रही, लेकिन आपकी कलम में कभी कभी वो दिखती हैं आपके, कभी मेरे है चरखा काटे इस तरह की, या चक्की पीसे। हाँ, मतलब वो सिंबॉलिकल वही सारी चीजें कनेक्टेड हैं, क्योंकि चक्की भी पीसी जाती थी। हाँ, हमारे घरों में तो वही सब चलता था ना, मशीनी दौर तो नहीं आया था। नहीं, कुछ नहीं था, अभी तो लाइट भी नहीं थी, डिबरी जलाई जाती थी। तो 55 में क्या सोचा होगा पिताजी ने कि छोड़ो यार रोहतक, चलो इत्थों? दरअसल एक और परिवार झांगी परिवार था, कथोरिया परिवार, वो भी झांगी थे। उन्होंने यहाँ दिल्ली में आकर अपना एक धंधा शुरू किया, उन्होंने साइकिलों की फैक्ट्री लगा ली। साइकिलों की फैक्ट्री? हाँ। अच्छा, लाइक एटलस और हीरो टाइप? हाँ, अच्छा जी। अब जब उन्होंने साइकिल, क्योंकि वो इंडस्ट्री होने का जमाना था, साइकिल आने लगे थे काफी, तो अब उनको कोई अच्छा पेंटर नहीं मिल रहा था, ठीक है, और वो इनको जानते थे, ठीक हो गया, वो बचपन की वहाँ से जानकारी थी, तो फिर रोहतक आए, इनको ये कहा कि आप हमारे साथ चलिए। तो साइकिल में एक पेंटर का क्या काम हुआ? वो एक साइकिल जब वो बनते हैं ना, उसे जो उसकी रंग होता, कलर्स, अच्छा, तो उसकी जो लाइनिंग होती, हाँ, वो बड़ी महीन होती है, वो हाथ से लगती है, क्योंकि आजकल तो मशीनों से लगती है। मशीनें आ गई थी। अच्छा, जब मशीनें आ गई तो वो बेकार हो गए, फिर उन्होंने अपना लाइन बदल ली, लेकिन वो मशीनें बाद में आई हैं, पर उनके हाथ इतने सधे हुए थे कि वो बिल्कुल स्ट्रेट और बारीक लाइन लगाते थे। और मरघाट को भी कलर करते होंगे? मरघाट को भी कलर होता था, वो तो जो नई साइकिलें होती थी, हाँ, तो कलर होके आती थी, हाँ, वहाँ तो सिर्फ ये उनकी पैकिंग और ये लाइनिंग और ट्रेडमार्क लगाया जाता था। क्या नाम था इस साइकिल का? इनका रिपब्लिक था, रिपब्लिक इंडस्ट्रीज था। अच्छा, तो ये चली? काफ़ी चली। अच्छा, काफ़ी चली, फिर तो बाद में शायद वो उनके बाद में बच्चे बच्चे हुए, उनके झगड़े बगड़े हुए, तो वो इंडस्ट्री बंद हो गई। मोतीनगर में थी। अच्छा, अच्छा, आप दिल्ली, अच्छा, वो दिल्ली आ गए थे तो आपके पिताजी यहाँ आ गए थे, वही किस्सा यहाँ का हो गया सारा? तो हम लोग रमेश नगर में आके सेटल हुए यहाँ, तो वो मोतीनगर में फैक्ट्री थी, तो वहाँ से आना जाना आसान होता था। ठीक है, तो ये दौर चला होगा आपका कितने साल तक? ये चला है साल तक समझ लीजिए, मेरे जब मैं हायर सेकेंडरी कर रहा था, हायर सेकेंडरी होती थी उस जमाने में, 10वीं 11वीं तक चला। उसके बाद जब मशीनें आ गईं, कुछ और झंझट हो गए, उनको कुछ हार्ट अटैक आ गया, तो नौकरी छोड़ दी या उन्होंने छुड़वा दी, और उसके बाद काफ़ी कष्ट के दिन थे। पैसा तो कहाँ से आना था, ना वहाँ से कुछ था ना कुछ, और कौन करे, सब तो अपने लगे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अपने अपने बच्चों को पालने में लगे हुए हैं। तब उन्होंने अपना काम शुरू किया, और वो उनकी एक खास बात ये थी कि वो चारों जबानों में लिख सकते थे। अच्छा जी, ये पंजाबी, उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी। हिंदी,
और बहुत खुशखत लिखते थे, तो इसलिए और पेंटिंग भी थोड़ी बहुत जो भी हो वो भी कर लेते थे बोर्ड के साथ, तो इस ऐसे उनको बड़े ऑर्डर आते थे। ये बिल बोर्ड तो अभी की चीज़ है। अच्छा, तब बोर्ड ही बना करते थे। हाँ, मुझे मेरे को ना वो सामने चीज़ें दिख रही हैं, वो लकड़ी के डबल डोर वाले दुकानों के दरवाजे और उसके ऊपर बोर्ड लगे हुए लोहे वाले पतरे के और वो लिखे हुए, और जाहिर सी बात है पेंटर थे, खुशखत ना हो और पेंटर ना, पेंटर का तो फिर वो पेंटर तो दुकान तो बनी नहीं, दुकान तो और रोहतक में छूट गई, तो फिर यहाँ आकर दुकान नहीं बनी। बच्चे बड़े हो गए, बच्चे एक के बाद एक होते गए। अच्छा, कितने भाई बहन हैं? 7 भाई बहन। ओ अच्छा। अब जब बच्चे होते गए तो सारी जिम्मेदारी उस नाते, फिर एक बड़ा भाई होने के नाते मुझ पर आ गई। जी, तो वो तो एक संघर्ष का दौर रहा है सबका, वो हमारे परिवारों में रहा है, उसका एक अलग मजा भी रहा है। आज उसकी आज लगता है, तब तो लगता नहीं था कि संघर्ष कर रहे हैं, तब तो लगता था कर रहे हैं। आज तो मुझ जैसा कोई कहता था, अच्छा सैकल साहब आपने इतना कुछ झेला है ना, लेकिन तब तो वो एक दौर था, वो लाइफ का पार्ट था, कुछ नहीं लगता था। तो आपने पढ़ाई की? पढ़ाई मैंने की, साथ साथ काम भी किया। ये कौन सा काम? मैंने काम 8वीं क्लास से शुरू कर दिया था। कहाँ, क्या? 8वीं क्लास से मैं डबल रोटी बेचता था। ओके। सुबह सुबह डबल रोटी बेचता था, अंडे बेचता था, मक्खन बेचता था। दिल्ली की सड़कों पे? दिल्ली की सड़कों, साइकिल पे। हाँ, करमपुरा में जहाँ रहते थे वहीं बेचता था, और फिर आता था तो दोपहर को शिफ्ट होती थी स्कूल की, तो पढ़ने जाता था, फिर शाम को पढ़ता था। इसी तरह से मैंने अपना हायर सेकेंडरी किया, और उसके बाद जब हायर सेकेंडरी किया तो मैंने कहा भाई मुझे आगे पढ़ना है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब आगे क्या पढ़ना है, अब नौकरी वोकरी करो, घर का देखो, अब उसके बाद देखेंगे बाद में। पढ़ने में बहुत अच्छे थे? मैं पढ़ने में अच्छा था, और 8वीं तक तो अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद अचानक पता नहीं क्या तंत्रियाँ खुली, अच्छा होने लगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा था, लेकिन अच्छा था, ठीक था। अच्छे मार्क्स आ जाते थे? अच्छे मार्क्स आते थे, अपने इलाके में मैं टॉप पर ही रहता था। तो लेकिन दुनिया तो बहुत बड़ी है, अब आपको कम्पीट तो दुनिया के साथ करना है ना, सिर्फ अपने इलाके में तो करना नहीं, ये सब समझ भी नहीं थी तब, लेकिन हम उसी में बड़े खुश रहते थे। बस वो चलता रहा, और फिर मैंने नहीं, 2 साल मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी, ठीक है, और मैंने UPSC का इम्तिहान, अब भी होता है, उन दिनों भी होता था, क्लेरिकल ग्रेड का, वो मैंने दिया और मैं अच्छी पोजीशन आ गई। इतना टफ होता था जितना आजकल है? तब भी हाँ टफ तो होता। अच्छा जी। हाँ टफ होता था, लेकिन तब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते थे यस, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट भी कम होती थी, उसी तरह से पॉपुलेशन भी फिर उसी हिसाब से थी, पॉपुलेशन भी इतनी 35-40 करोड़ के बीच में पॉपुलेशन थी, और अब तो आप 140 करोड़, बहुत फर्क है। तब वो मैंने कर लिया, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जॉब लग गई। जब जॉब लग गई तो मुझे हिम्मत आ गई कि भाई अब तो मुझे पढ़ने दो, तो फिर मैंने इवनिंग कॉलेज में दाखिला लिया, ठीक है, और ऐसे दिन में मेरी वो नौकरी होती थी, शाम को पढ़ाई होती थी। ऐसे ही मैंने BA की, ऐसे ही मैंने MA की, और MA में मैंने फिर टॉप किया। अरे वाह। और जिस दिन मैंने मेरा रिजल्ट आया, 15 दिन के अंदर अंदर आई वाज प्रोफेसर। कमाल है। विदिन 15 डेज आई वाज अपॉइंटेड एज प्रोफेसर इन माय ओन कॉलेज, एंड दैट टू आई वाज डिमांडेड बाय द स्टाफ एंड द प्रिंसिपल कि नहीं तुम हमारे स्टूडेंट रहे हो, यहीं आओगे। हालांकि मुझे उस वक्त और भी ऑफर थी, और क्योंकि वो ज़माना था जब कद्र होती थी टॉपर्स की, आज नहीं है, आज तो बहुत टॉपर अभी बेचारे वो घूम रहे हैं, बेकार घूम रहे हैं, PhD बेकार घूम रहे हैं, लेकिन उस वक्त कद्र थी, 1970 की बात है, 70 की बात है। तो मेरा अपॉइंटमेंट हो गया एज ए प्रोफेसर। क्या पढ़ाते थे आप? मैं हिंदी। अच्छा, तब पूरी पूरे साल बिल्कुल सुनने में इतनी आसान सी लगने वाली स्क्रिप्ट को ऊपर वाला लिख रहा था, पता नहीं कौन लिख रहा था। हाँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें होती चली गई, और मैं कमाल की बात है ना कि उसी जगह आप एज ए प्रोफेसर आ जाते हैं, और फिर सारी 70 का दशक। तनख्वाह कितनी थी यहाँ पर एज प्रोफेसर? हाँ, पहली सैलरी मुझे मिली थी 619 रुपये। अच्छा।
और हम इतने खुश थे, वो पहली सैलरी का जो नशा था, वो मजा था, फैमिली के लोग इतने खुश थे कि 619 रुपए की बहुत वैल्यू थी। जी जी, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप, हमारे घर में बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं थी, पहली सैलरी में सोफा आ गया, आए हाय। पहली सैलरी में पता नहीं क्या क्या सपने थे, लेकिन वो धीरे 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 पूरे होने लगे। फिर तो हमारी शादी होगी। अच्छा, तो मोहब्बत होगी। अच्छा, उसी कॉलेज में ही हुई? नहीं, अच्छा, ये उसी कॉलेज में नहीं, ये बैठी है ना। जी जी जी, उसी कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में। अच्छा, यूनिवर्सिटी में, ठीक है, सेम यूनिवर्सिटी में। हाँ, ये अच्छी चीज़ है, यानी कि ये कह सकते हैं कि मतलब जो फिल्मी कहानियों में हम चीज देखते हैं कि हाँ जी, लड़का सक्सेस हुआ तो अब उसने अपने आप ही लड़की तलाश कर ली, और तो क्या रिएक्शन क्या था इस मोहब्बत का परिवार पे? बहुत खिलाफ थे। अच्छा, कारण? उनको ये था कि पहले बहन थी मेरी छोटी, कि पहले बहन की शादी होने दो। ओके, तो अब इनको, इनके जो माँ बाप हैं वो दोनों ऐसी हालत में थे कि कब तक रहेंगे पता अच्छा। नहीं, और फिर वो वैसे भी थोड़ा अशक्त थे, इनके फादर ब्लाइंड थे, अच्छा अच्छा, मदर जो है वो अस्थमा की मरीज भी थी और उम्र भी थी, भाई जो है इनका वो मेंटली बाधित था, ठीक है, तो सारी ये समस्याएं थी इनको बहुत जल्दी थी, इनकी उम्र भी ज्यादा हो गई थी, मुझसे बड़ी हैं। अच्छा, अब लेकिन मोहब्बत में तो सब अंधा होता है। जैसे तैसे माँ बाप को समझाया और कि वो बहन की भी होगी और करेंगे, और उसके लिए भी व्यवस्था सारी कैसे होगी सब समझाया, और ये आप समझा रहे थे अकेले? हाँ, ये बड़ा मुश्किल होता है ना। बहुत मुश्किल होता है। तो फिर वो मान गए और शादी हुई, सब परिवार के साथ ही हुई, और मेरे ख्याल विद इन ईयर बहन की शादी भी हो गई। चलिए, अच्छा है। वो भी मेरा एक दोस्त ही था। अच्छा, दोस्त था, और कोई बहुत देर नहीं लगी, और उसकी व्यवस्था भी फिर हम लोगों ने कर दी, और उसके बाद आप स्टैंड हो जाते हैं। और ये जो कलम आपके हाथ में आती है, ये कब आती है फिर? ये कलम तो मेरे हाथ में आ गई थी संघर्ष के दिन 1960-62 में। अच्छा, पहला मतलब जो गीत मेरा प्रसारित हुआ ऑल इंडिया रेडियो से वो 1962 में। ओके, और 70 तक आपने इसको दबा के रखा होता उस तरह से, या इसकी नहीं, भी कुछ नहीं, 1962 में तो रिकॉर्ड हो गया, तो इसका कुछ रिवेन्यू भी मिलता था? और मिलता, 15 रुपए मिले थे। क्या बात है, रेडियो से तो उस जमाने में 15 रुपए बहुत बड़ी बात थी। हाँ। सर, क्योंकि आज भी कोई ज्यादा रेट्स नहीं बढ़े हैं रेडियो पे चीजों के, जैसे कि हाँ, दिल्ली में शायद 4,000 के आसपास लोगों को आज एक इंटरव्यू का मिल जाता है, और हरियाणा के अंदर 2,500 रुपए मिल जाता है, ऐसा कुछ हाल है। अलग अलग ऐसा है, टॉप का अलग है, काव्य पाठ का अलग है, अगर नाटक हो तो उसका अलग है, उनकी ग्रेडेशन है, लेकिन कोई उससे कोई आजीविका नहीं चलती। एक शौक लग गया था, एक शौक लग गया, तो एडिशनल इनकम हो, फिर बाद में तो मैंने बहुत लिखा रेडियो। अच्छा, तो एक एडिशनल इनकम तो साथ में हो जाता। तो मैम आपकी कलम की दीवानी थी आपकी? ये दीवानी थी शायद, अब ये तो वो ज्यादा अच्छा बता, पूछूंगा मैं उनसे भी। हाँ, लेकिन वो शायद दीवानी थी इंटेलेक्ट की। ओके, कि भाई बंदा बातें ठीक करता। हाँ, तो शायद उनको इसी की तलाश थी, ठीक है, कि कोई ऐसा लड़का होना चाहिए जो उनके लेवल का तो हो, तो शायद उनको मैं लगा कि मैं उनके लेवल का हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर वो बात बन गई। और देखने वाले अब तक तो ये समझ ही चुके होंगे कि क्योंकि मैं किसी मतलब ऐसे आदमी से बात कर रहा हूँ जो लिटरेरी दौड़ में बहुत आगे जा चुका है, और कौन है वो आप समझ गए होंगे। कलमकार का जिक्र हो चुका है, इसलिए बाकी की कहानी हम इनकी पर्सनल वाली जो कलमकार की है वो अलग सुनवाएंगे, क्योंकि यहाँ तक मैं 47 के साथ चल रहा था, जो कि हम करते हैं झंग परिवार, सहगल परिवार, झंग का कनेक्शन और बंटवारा, वो था इस वीडियो में। और अगर आपको फिर भी हमसे जुड़े रहना है तो इनका जो पर्सनल है कि आखिरकार कौन है प्रताप सहगल, क्यों केशव उनके पास बैठा है। शुक्रिया।